आज हम एम्बैंकमेंट की एफडीडी करने जा रहे हैं हम लोग। तो एफडीडी करने से पहले हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारा सैंड होता है। ये सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से हो रहा है। तो सैंड है हमारा, और पॉरिंग सिलेंडर है, ट्रे है, ये दो तरह की ट्रे हैं, ये हैमर है, और ये हमारा फास्टेनर है, स्पाइक जिसको बोलते हैं पेग। तो अभी इसको फिक्स कर रहे हैं। ये हमारा पॉरिंग सिलेंडर आ गया, जिसमें हमने सैंड ले रखा है, और इसका वेट है 7 kg या 7000 ग्राम। अब हम इसको खोद डिग करेंगे या खोदेंगे। जो फील्ड ड्राई डेंसिटी होती है सॉयल की, वो हमारा रिलेटिव कॉम्पैक्शन देता है एमडीडी के रिस्पेक्ट में। ये जो हमारी मिट्टी इस पे गिरी है, ये ऑलरेडी लैब में टेस्ट होती है, जिसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकाली जाती है, और उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर कितना परसेंट एफडीडी आ रहा है। ये हमारा आ गया मॉइस्चर पेटी है, मॉइस्चर कंटेंट निकालने की पेटी है। ये जो हमारा जो खोद रहे हैं, ये हम 150 mm गहराई तक खोदेंगे, और इसका जो डाया है 100 mm है। ये हमारा मॉइस्चर मीटर है, इसका नाम है रैपिड मॉइस्चर मीटर। इसको साफ़ कर रहे हैं। फिर इसमें 6 ग्राम हम सॉइल सैंपल लेंगे, वेट करके। ये हमारा स्मॉल वेइंग मशीन है, इस पे हम 20 ग्राम तक किसी चीज़ को वज़न कर। ये हमारा स्टील बॉल है, ये मॉइस्चर उड़ाने में मदद करता है। जो मिट्टी होती है उससे ये टकराता है, और मॉइस्चर को इवेपोरेट करता है। ये हमारा वेइंग मशीन है, इसमें हम 6 ग्राम सैंपल लेंगे। सैंपल लेने का तरीका है, पहले इसको मिक्स करेंगे, फिर यहाँ से सैंपल। ये हमारा 150 mm डिग हो चुका है, और अब हम इसमें सैंड पॉरिंग करेंगे। ये हमारा 6 ग्राम हो गया। अब इसमें हम कार्बाइड मिलाएंगे। ये हमारा पावरिंग सिलेंडर है, अब सैंड ये पावर करेंगे। पावर करने का मतलब इसमें अंदर डालना। अब ये सैंड धीरे धीरे अंदर जा रही है। अब ये हमारा कार्बाइड है, कार्बाइड लेने का तो जो तरीका है 1 चम्मच है, लेकिन अगर कार्बाइड सही नहीं है तो 2 चम्मच भी ले सकते हैं। ज़्यादा या कम डालने का कोई असर नहीं पड़ने वाला है मॉइस्चर पे। मिट्टी में हमारा जितना मॉइस्चर है वो उतना ही आएगा, चाहे हम कम डालें इसमें चाहे ज़्यादा। कम डालेंगे तो कम उड़ाएगा,
ऐसा नहीं है ज़्यादा डालेंगे ज़्यादा उड़ाएगा, जितना मॉइस्चर है कार्बाइड सही है तो वो उतना पूरा मॉइस्चर बताएगा। अब हम इसको 45 बार शेक करेंगे। ये हमारा पावर हो चुका है। ये जो कोन के रूप में बन रहा है इसी को बोलते हैं कोन वेट। इसका वेट है 358 ग्राम। ये हमारा मॉइस्चर आ गया है। ये है हमारा 10%। 10% का करेक्टिव मॉइस्चर कंटेंट होता है 10.11.1। ये हमारी मिट्टी है, इसका वेट है 31.35। ये हमारा सैंड है आफ्टर पावरिंग, यह है हमारा 50-40। अब हम करेंगे कैलकुलेशन। बल्क डेंसिटी हमारी जो है 1.40 है और कोन वेट है सैंड का 358 और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो सॉयल की है वो है 1.856 और सॉयल का वेट जो है हमारा आया 31.35। सैंड का वेट बिफोर पावरिंग 7000 ग्राम है, आफ्टर पावरिंग 50-40 है। ट्री का वेट है हमारा 790 ग्राम और 6 ग्राम है हमारा मॉइस्चर कंटेंट के लिए जो सैंपल लिए हैं और अब हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के लिए हमको बल्क डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल हमारा यहाँ पर सॉयल है, सॉयल की बल्क डेंसिटी निकालेंगे। तो बल्क डेंसिटी निकालने का तरीका है कि जो हमारी मिट्टी आई है उसे हम ट्रे के वेट को माइनस कर दें तो मिट्टी का वेट निकल आएगा और डिवाइडेड बाई हमारी जो सैंड है वो सैंड के वेट इनिशियल वेट जो था हमारा बिफोर पावरिंग माइनस कोन का वेट माइनस जो आफ्टर पावरिंग आया है तो ये हमारा निकल के चला आएगा और इससे मल्टीप्लाई कर दें बल्क डेंसिटी ऑफ सॉयल, सॉयल के बल्क डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ रहा है 2345 डिवाइडेड बाई 1602 मल्टीप्लाइड बाई 1.407। तो ये हमारा आ जाएगा निकल के यहाँ से बल्क डेंसिटी ऑफ सॉयल, तो ये निकल के आई 2.059। अब हम निकालेंगे ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉयल। तो ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉयल निकालने का तरीका है बल्क डेंसिटी को मॉइस्चर कंटेंट से डिवाइड कर दें तो हमारा ड्राई डेंसिटी निकल के चला आएगा। तो ये हमारी आ गई 1.853। अब इसको हम डिवाइड कर दें MDD से तो हमारा FDD निकल के चला आएगा। तो और ये हमारा है मॉइस्चर कंटेंट का चार्ट जिसमें करेक्टिव मॉइस्चर कंटेंट हम फाइंड आउट करते हैं कि 10 आया तो उसका करेक्टिव मॉइस्चर कंटेंट कितना है, 5 है तो कितना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी FDD 99.8% आ गई। तो ये था हमारा FDD का वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड वाली बटन को टच करना होता है, उसको टच करेंगे तो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।